दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर ओप्पो A74 5G डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आपके डिवाइस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों, फाइनली ओप्पो A74 5G डिवाइस में एंड्रॉयड 13 बेस्ड कलर ओएस 13 का स्टेबल अपडेट इसी मंथ दिसंबर में ऑफिशियली रोल आउट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसी न्यू अपडेट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही इस कलर ओएस 13 स्टेबल अपडेट के ऑफिशियल डेट के बारे में भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल दोस्तों, ओप्पो A74 5G डिवाइस में एंड्रॉयड 13 बेस्ड कलर ओएस 13 का स्टेबल अपडेट दिसंबर 29 को ऑल ओवर इंडिया में ऑफिशियली रोल आउट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस स्टेबल अपडेट के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, एंड अगर आपको ये स्टेबल अपडेट बाई चांस आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है। सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, देन वहाँ पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड करके रख लेना है, तभी जाकर आपके डिवाइस में कलर ओएस 13 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि बीटा यूजर्स को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में कलर ओएस 13 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।